और अब हमारे साथ में हिंदी खबर चैनल के एडिटर अतुल अग्रवाल जी जो हैं वो जुड़ चुके हैं। अतुल अग्रवाल जी, स्वागत है आपका गुजरात फर्स्ट में। धन्यवाद अतुल अग्रवाल जी, आप बहुत नजदीक से, लगातार मैं भी आपको देखता रहता हूं हर रोज, उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत नजदीक से जानते हैं आप। सीधा सवाल आपसे ये पूछूंगा और आपसे जानकारी लूंगा और हमारे दर्शकों को भी आपकी जानकारी पहुंचेगी। ये जो चीजें हुई कल रात, पहली प्रतिक्रिया के तौर पे क्या मानते हैं, ये क्या एक थियरी है उत्तर प्रदेश में हिंसा भड़काने की, या दूसरा किसी तरह का प्रयोग है ये? देखिए, ये ना तो प्रयोग है, ये ना तो संयोग है। मेरा ऐसा मानना है कि ये हत्या जो कहा जा रहा है, इसको कानूनी भाषा में हत्या कहा जा सकता है, लेकिन नैतिक और सामाजिक भाषा में इसको वध कहा जा सकता है, वध। अरे भाई, मैं अतीक अहमद का जो है वो दुश्मन नहीं हूं, या मैं कोई पार्शियलिटी की बात नहीं करता हूं, मैं उत्तर प्रदेश के आम जनमानस की बात करता हूं। आम आदमी उत्तर प्रदेश में खुश है, लेकिन अब आम आदमी खुश है तो आप किसी को क्या करेगा, गोली मार दोगे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि अगर हम संविधान की बात करेंगे, आईपीसी, सीआरपीसी और कानून की बात करेंगे, भारतीय दंड प्रक्रिया, भारतीय दंड विधान, भारतीय दंड संहिता की बात करेंगे, तो उसके हिसाब से अतीक और अशरफ के साथ जो हुआ वो सरासर गलत है, क्योंकि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। हमारी जो व्यवस्था है वो संवैधानिक व्यवस्था है, ठीक है। हमारे यहाँ अदालतें हैं, हमारे यहाँ पुलिस है, जांच एजेंसियां हैं, उसके हिसाब से न्याय होना चाहिए, बिल्कुल मैं कहता हूँ। तो पिछले 40 साल से क्यों नहीं हो रहा था, ये सवाल भी पूछता हूँ। जी जी अतुल जी, जैसे एक मामूली से गुंडे को इतना बड़ा अपराधी किसने बनाया? जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, तो उनके कान में कान डाल, मुंह डाल के बात करता था मंच में खड़े होकर। अतीक को इतना बड़ा किसने बनाया? ये सत्ताधीशों ने बनाया, ये पुलिस ने बनाया, ये उद्योगपतियों ने बनाया। और आज अतीक कितनी हिम्मत हो गई, वो योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री को आंखें दिखाने लगा। 3 दिन पहले अतीक ने जब असद का इनकाउंटर हुआ था झांसी में, परीक्षा में, जो उसका बेटा था 3rd नंबर का, जो परिवार में बड़ा प्रिय था, उसके इनकाउंटर के बाद अतीक ने कहा था कि एक बार जमानत पे बाहर आने दो, गद्दी की गर्मी निकाल दूंगा। गद्दी मतलब वक्त, गद्दी मतलब मुख्यमंत्री की गद्दी, या गद्दी मतलब गोरक्षनाथ पीठ के महंत की गद्दी। अतीक की औकात है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में ऐसी बातें करने की? तुम्हारा दामन दाग से भरा हुआ है और तुम योगी जैसे मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहे हो जी। और योगी ने सदन के भीतर कहा कि मिट्टी में मिला दूंगा। और अतीक और मुक्ता, ये अशरफ क्यों? अभी बहुत सारे ऐसे हैं जिनका सफाया होना चाहिए समाज में, इन अपराधियों की जगह नहीं होनी चाहिए, ये समाज की नैतिकता का तकाजा है। लेकिन जहां संविधान की बात करेंगे, कानून की बात करेंगे, तो जांच अपना काम कर, कानून अपना काम कर रहा है। 17 पुलिस वाले सस्पेंड हो गए, जांच कमेटी बैठ गई, योगी जी ने रात के ही जांच कमेटी बैठा दी, अब जांच हो रही है, जांच का नतीजा आएगा, क्या दिक्कत है इसमें? और रही बात राजनीति की, तो मेरा तो स्पष्ट मानना है कि अखिलेश यादव ने सदन के भीतर योगी जी को जो चुनौती दी थी, चुनौती का नतीजा है असद का इनकाउंटर, गुलाम का इनकाउंटर, और इन दोनों का गैंग वॉर में हत्या। अरे भाई, जिन्होंने मारा उन्होंने तो सरेंडर कर दिया ना, अब उनसे पूछताछ होगी। कानून अपना काम कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे 40 साल में आतंक का दूसरा नाम बन चुके अतीक और उसके परिवार की गुंडागर्दी को देखकर कानून अपना काम कर रहा था, कानून अपना काम अभी भी कर रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? छद्म धर्म निरपेक्ष के लोग जो हैं, वो उनके पेट में मरोड़ पैदा हो गई है। तमाम जो मुस्लिम संगठन है वो हाय तोबा छाती पीट रहे हैं। अरे दमाद था क्या थी उनका? गुंडा था गुंडा। और गुंडे का ना कोई धर्म होता है, ना कोई जाति होती है, ना कोई क्षेत्र होता है, ना कोई आइडियोलॉजी होती है। गुंडा केवल ऑब्जेक्ट ढूंढता है, ऑब्जेक्ट अपने को शिकार बनाने वालों को। और भाई, जब आपने इतने साल तक लोगों को मारा पीटा, लोगों के घरों को उजाड़ा, माओ की गोदें उजाड़ी, कितने ही पतियों को उजाड़ा, विधवा बना दिया, तो आज आपके साथ भी तो होगा भाई। शेर को सवा शेर तो मिलेगा ना, तो मिल गया शेर को सवा शेर मिल गया। मैं बार बार कह रहा हूं, ये कानूनी तौर पे हत्या है, लेकिन सामाजिक और नैतिक तौर पे ये वध है। और दुष्टों का संहार, ये शास्त्र सम्मत है, ये राष्ट्र सम्मत है। जी जी अतुल जी, एक सवाल और पूछ लूं मैं आपसे। बार बार अब ये सवाल आ रहा है, साइस्ता का क्या होगा, गुड्डू मुस्लिम का क्या होगा, ये लोग कहां हैं, और क्या लगता है ये लोग सरेंडर करेंगे कि इन्हें ये फरारी रहेंगे इस तरह से? देखिए, संयम है कोतवाल तो दर काय का, हमारे समाज में कहा जाता था, ठीक है। अब जब संयम मिट्टी में मिल गए, तो अब कहां जाओगे गुरु जी?
अब तो आना ही पड़ेगा कानून के दायरे में। अगर शाइस्ता परवीन के खिलाफ मुकदमा होगा तो भारतीय दंड विधान के तहत उनको मुकदमों की इसकी उसकी सुनवाई होगी, जांच चलेगी, मुकदमा लिखा गया है तो तफ्तीश होगी, अगर बेगुनाह होगी तो छूट जाएगी, दोषी होगी तो जेल जाएगी जी। ये तो भाई नियम है। गुड्डू मुस्लिम कहाँ है? मेरे पास खबर आ रही है कि गुड्डू मुस्लिम महाराष्ट्र के नासिक में छुपा हुआ है और यूपी एसटीएफ की टीम महाराष्ट्र के नासिक पहुंच गई है अब से एक घंटे के भीतर। जो मेरी खबर है वो ये है कि एक घंटे के भीतर गुड्डू मुस्लिम या तो जिंदा पकड़ा जाएगा या ठोक दिया जाएगा योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस के द्वारा। ये मेरे पास खबर आ रही है। इसके अलावा जो राव सौलत खान है, जो जो उसका वकील था अतीक अहमद का, उसके खिलाफ ईडी जांच हो रही है, तमाम दूसरे लोग इनके खिलाफ ईडी जांच हो रही है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मिली है, एक मेयर इनकी डायरी बरामद हुई है, उस डायरी में पता चला है, लिखा हुआ है, जो मेरे सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तान सीमा पार से हथियार कैसे आए, ड्रग्स कैसे आए, खौफ फैलाने का सामान कैसे आया, अतीत पाकिस्तान में किस हैंडलर या किस पेडलर के संपर्क में था, वो क्या देता था और ये क्या देते थे बदले में, तो तमाम चीजों की जांच की जा रही है। सीधा मामला है, जैसे कानून 40 साल तक काम कर रहा था, कानून आज भी काम कर रहा है, कानून से काम लेने वाले लोग बदल गए हैं जी। पहले मुलायम सिंह थे, फिर मायावती थी, अखिलेश थे, अब योगी है। कानून तो वही है, संविधान तो नहीं बदला गया, वही आईपीएस ऑफिसर है, वही पुलिस वाला है, वही सिटी बिल्ला बेल्ट बंदूक डंडा लाठी है, वही FIR रोजानमचा है, सब कुछ वही है, क्योंकि नेतृत्व बदल गया, नतीजे बदल गए। उत्तर प्रदेश की सिर्फ ये कहानी है भाई साहब जी। अतुल जी, मुझे याद है बराबर प्रधानमंत्री ने 2017 में उत्तर प्रदेश की एक सभा में कहा था कि समय बदल गया है, समय बदल जाता है, उस व्यक्ति बदल गया है, सरकार बदल जाएगी, ये सब चीजें प्रधानमंत्री ने पहले ही संकेत दिया था इस गुंडा राज के लिए उत्तर प्रदेश के। एक आखिरी सवाल आपसे मैं करूं, आप बहुत नजदीक से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से परिचित हैं, बहुत बार आपने उनका इंटरव्यू भी किया है, हमने भी देखा है, गुजरात के लोगों ने भी देखा है, क्या योगी आदित्यनाथ अभी सोच रहे होंगे और किस तरह से इस पूरे मसले के ऊपर अब कार्रवाई होगी? आपको क्या लगता है, जिस तरह से आपने एक बहुत बड़ी जानकारी दी कि गुड्डू मुस्लिम नासिक में है और UPSTF ने उसे पकड़ लिया है, तो ये चीज मैं भी जानना चाहता हूं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किस तरह से इस पूरे मामले से निपटेंगे और ये जो व्यवस्था वहां की उत्तर प्रदेश की, आप उससे बहुत नजदीक से वाकिफ हैं, क्या वहां पे परिस्थिति कंट्रोल रहेगी या कुछ ऐसे तत्व हैं जो पर्दे के पीछे से वहां पे उत्तर प्रदेश की शांति को भंग भी करना चाहते होंगे? अमित जी देखिए, मैं 1998 से योगी आदित्यनाथ जी को जानता हूं जी। योगी आदित्यनाथ जी, हमने जितने चैनलों में काम किया 2005 के से लेके अब तक, सारे चैनलों में मैंने डिबेट शो किए और योगी आदित्यनाथ जी को डिबेट में एज अ गेस्ट, एज अ पैनलिस्ट टीवी में दिखाया, स्टूडियो में और बाकी जगहों से। मैं योगी जी को जितना करीब से जानता हूँ, योगी जी के बारे में एक बात सुन लीजिए आप, योगी जी के बारे में आगे नाथ ना पाछे पदहा, ना मेरे आगे कोई ना मेरे पीछे कोई, मैं हूँ भगवान का, भगवान है मेरे, योगी की ये सोच है। योगी के तमाम करीबी ऐसे थे, जब योगी जी ने अपनी सांसदी छोड़ी और विधायकी लेकर सीएम बनने के लिए, सीएम बने रहने के लिए विधायकी उन्होंने चुनी, सांसदी छोड़ी, तो योगी जी के बहुत सारे करीबी ऐसे थे, सुनील सिंह जैसे, अमित सिंह जैसे, जो चाह रहे थे कि उनको सांसद बना दिया जाए, लेकिन योगी जी ने कहा कि नहीं, आला कमान अपना फैसला करेगा, मैं दबाव नहीं डालूंगा। योगी आदित्यनाथ के बारे में आज तक आपने जो सुना होगा वो ये कि वो एक सख्त प्रशासक है, अगर आप कानून के खिलाफ काम करेंगे तो भैया कब्र आपकी खुदेगी, नारे भले कोई लगाए। योगी जी सिर्फ यह समझिए संत है, तो रियल मायने में संत है। दूसरी बात क्या, दूसरी बात यह है कि जैसी खबर आई रात के कि अतीक अहमद और अशरफ को मार दिया गया है, उसके बाद धूमनगंज में यानी प्रयागराज में, कीटगंज में, बाकी जगहों पर, ये मोहल्लों के नाम है प्रयागराज के, अलग अलग जगह इलाके हैं, वहां पर पत्थरबाजी शुरू हुई, स्टोन पेल्टिंग की खबरें आई, इसके अलावा कई जगहों से और स्टोन पेल्टिंग की खबरें आ रही हैं। लेकिन योगी जी ने एक बात कही ना, योगी जी की दो डायलॉग बता देता हूं मैं आपको, दोनों सदन के भीतर कहे गए, उन्होंने कहा कि जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाना मुझे आता है। दूसरा उन्होंने कहा कि भाई मैं तो मई जून में उत्तर प्रदेश में शिमला बना देता हूं जी। तो इसीलिए है कि गर्मी नहीं चलेगी किसी की, वो सत्ता के द्वारा प्रायोजित गर्मी हो, सत्ता के करीबी माफिया हो या सत्ता के विरुद्ध माफिया हो,
जो गलती करेगा, जो कानून का मखौल उड़ाएगा, उसको ठोका जाएगा। ये बदला हुआ उत्तर प्रदेश है। और ये कहाँ नहीं होता? अरे भाई इसराइल, इसराइल ने तो दुश्मनों को मारे तो इसराइल बहुत अच्छा। यूपी में अगर राष्ट्र विरोधी और राज्य विरोधी अपराधी तत्वों को ठोका जाए तो यूपी बड़ा खराब। मानवाधिकार मानवों का होता है, दानवों को नहीं होता है, आप ये समझ लीजिए। और दानवों को अधिकार दिया भी नहीं जाना चाहिए। यूपी में सब कुछ संभव है क्योंकि यहाँ पर योगी है। जी जी अतुल जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, गुजरात फर्स्ट के साथ जुड़ने के लिए। मैं और भी इस विषय पर आज आपसे चर्चा करूंगा। अभी हमने फोन से बात की है, हम आपको वीडियो से भी जोड़ेंगे। और आपने जो जानकारी दी है उस जानकारी को हमने लोगों तक पहुंचाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो बहुत बड़ी जानकारी दी कि गुड्डू मुस्लिम जो है वो नासिक में है और यूपी एसटीएफ बस वहां पहुंच चुकी है, ये बहुत बड़ी खबर गुजरात फर्स्ट पे आपने हमें दी है। अतुल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपको फिर से जोड़ेंगे।